सुनो कविता, कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है, जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। जैसे एक आवाज किसी पहाड़ी से टकरा कर कई बार वापस लौटती है, जैसे एक समंदर तुम्हारी हर चीज वापस कर देता है, और जैसे एक पेड़ अपनी जड़ कभी नहीं छोड़ता, मैं सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी से तुम्हारा नाम पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता हूँ। चाहता हूँ तुम्हारा नाम लिखी खाली बोतल बार बार समंदर में फेंकना, और चाहता हूँ एक बीज को तुम्हारे नाम से बोना। मुझे पता है पहाड़ी चोटी से प्रतिध्वनित आवाज के बदले तुम वापस नहीं आओगी, और ना ही वो बोतल किसी समुद्री वरदान की तरह तुम्हें वापस लाएगी। बीज भी पनप कर पेड़ ही बनेगा, वो पेड़ तुम कतई नहीं होगी। ये सब तुम्हें पाने की कोशिश नहीं है मेरे प्रेम, मैं हर संभावित जगह हर कहीं अपना पता छोड़ना चाहता हूं, ताकि तुम कभी भी इनमें से किसी से मिलो तो जान सको मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। पहाड़ी चोटी तुम्हें मेरी पुकार सुनाएगी, पेड़ अपने हजारों बीजों से मेरी गवाही दिलाएगा, और तुम्हारा नाम लिखी खाली बोतल किसी समुद्री बीच पर चुपके से तुम्हारे पैरों को चूम लेगी। मेरे आंसुओं से नमकीन हुई हवा उसी समय एक हल्के झोंके से तुम्हारा गाल छू लेगी, और शायद ये वही पल होगा मेरे प्रेम, जब पल भर को ही सही पर तुम्हें मेरी याद आएगी।